हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यावान पर। दोस्तों मैं चंद्र कुमार आप सभी समय हाजिर हूँ बहुत बड़ी अपडेट्स लेकर जो कि आप सबके मन में चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यह है कि आपने कल से ही देखा था कई दिन पहले से कि जो बीपीएससी की परीक्षा थी TRE3 जिसमें 4 लाख से अधिक शिक्षक कैंडिडेट्स बैठे हुए थे उनका पेपर लीक हो चुका था और जिस पे बीपीएससी संज्ञान नहीं ले रही थी, बाकी जो EOU है वो इस पर जाँच कर रही थी और लगभग 3-4 FIR की और उनको जेल भेजा गया। बावजूद उसके पेपर कैंसिल नहीं हो रहा था, लेकिन छात्रों के एकता को देखते हुए फाइनल बीपीएससी ने एग्जाम कल रद्द कर दिया गया, जिससे कि बिहार के तमाम उन लाखों शिक्षकों की जीत जो कि मेहनत दम पे नौकरी लेना चाहते हैं बजाय किसी हेराफेरी के। तो कहने की आपके एक सवाल ये होगा कि एग्जाम तो रद्द हो गया, अब नया डेट कब आएगा, एग्जाम कब होगा? तो अभी मैंने कुछ आपके पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके मन में है, उनके मैं सारे आपको क्लेरिफिकेशन दूंगा कि कब क्या होगा। जैसे कि आपको बता दें कि जो TRE3 का एग्जाम था वो रद्द हो चुका है, तो इसका जो नया डेट है होपफुली होली के बाद जारी किया जाएगा, यानी कि इसका डेट जो है एग्जाम कब होगा वो होली के बाद जारी किया जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये आपके मन में आ रहा है क्या एग्जाम अप्रैल में होगा या उसके बाद होगा? तो ज़्यादा चांसेस अगर आपका एग्जाम अप्रैल में होने हो सकता है, कोई बड़ी बात एग्जाम होने में नहीं है, लेकिन देखने वाली बात यहाँ पे है कि उससे जो हमारा चुनाव है वो कितना प्रभावित होता है, जो हमारे वहाँ पे स्टाफ वगैरह वहाँ पे लगाए जाएंगे वीक्षक के लिए वो कितने बड़े स्तर पर लगाए जाते हैं। अगर प्रभावित होगा तो मैं भी ये चुनाव के बाद भी एग्जाम हो सकता है, अगर ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा तो मैं भी इसका एग्जाम अप्रैल महीने में करा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि होली के बाद नई तारीखों का ऐलान हो जाएगा, इसके बाद आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए पॉइंट नंबर दूसरा है कि सक्षमता ऑब्जेक्शन जो आपत्ति है सक्षमता के ऊपर, इसकी तिथि में विस्तार की गई, यानी कि इसका जो डेट लास्ट आपत्ति करने का वो कल यानी 22 मार्च तक आपत्ति कर सकते हैं, ₹50 का शुल्क है। हालांकि मैंने खुद देखा वेबसाइट खोल के तो बहुत बिजी है, सर्वर रोज स्लो है, पेमेंट नहीं हो पाता है, पेमेंट कटने के बाद भी रिसिप्ट शो नहीं कर रहा है, तो रिफ्रेश करते रहिए। बाकी आप सक्षमता जो है BSE को मेल कीजिए कि आपसे जो समस्या आ रही है उनको मेल कर उनको अवगत कराइए ताकि आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्द हो सके। अगला है यहाँ पे कि रिजल्ट कब आएगा सक्षमता का। देखिए 22 तक तो आपत्ति लेना है BSE को, तो आपत्ति लेकर उस क्वेश्चंस को सुधार किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि 23 तक रिजल्ट अब नहीं आएगा, रिजल्ट जो है होली के बाद ही आएगा, क्योंकि इतना जल्दी सब कुछ कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं तो उनको सुधार करना चैलेंज हो रहा है, तो ऐसे में एक दिन बाद जस्ट रिजल्ट दे देना इतना संभव नहीं है। हाँ, सवाल यह है यहाँ पे कि होली के जस्ट बाद रिजल्ट आपका सक्षमता का आ सकता है, और जिनको क्वेश्चंस गलत लग रहे हैं कॉमन क्वेश्चंस पर आपको आपत्ति कीजिए, ना कि अलग अलग हिसाब से क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस कॉमन सिलेक्ट के ग्रुप में ये क्वेश्चन एक्यूरेट ही गलत है, इसके साक्ष संगत बहुत अच्छे तरीके से हो उनको आप चैलेंज कर सकते हैं ताकि उसमें सुधार हो। हालांकि मुझे नहीं लगता जो BSE भी है 4-5 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन को सुधार करेगी, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर क्वेश्चन सुधार वो नहीं करेगी, कि उनका कहना है कि हमारे अधिकतर क्वेश्चन सही है, जो जेन्युइन क्वेश्चन गलत होंगे जो कि सबके गलत होंगे उनको सुधार किया जाएगा। आगे आप देखेंगे सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर मेरे पास ये आया है, हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे शिक्षकों के साथ ये है कि उनको इस बात का बहुत बड़ा डर है कि उनका जिला बदर हो जाएगा, यानी उनको एक जिला से दूसरा जिला ट्रांसफर किया जाएगा। तो ऐसे में जो अपडेट निकल के सामने आई, सरकार चुनावी माहौल को देखते हुए आगे लोकसभा है विधानसभा है, शिक्षकों को बहुत बड़ा राहत दे सकती है। आपने बिल्कुल सही सुना, शिक्षकों को बहुत बड़ा राहत दे सकती है। इसके पीछे कई सारे कारण यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि लगभग 95 से 100% हो सकता है। यहाँ पे मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ, सरकार चाहेगी चुनाव को देखते हुए तो यहाँ पे 95 से 100% शिक्षक को नंबर एक प्रिफ्रेंस, यानी कि उनको होम जिला मिल सकता है और उनको होम जिले में उनका ट्रांसफर किया जाएगा। जो ट्रांसफर का पॉलिसी होगा वो इस प्रकार हो सकता है कि जो होम तिथि होगा वहाँ भी शिक्षकों को प्रखंड बस चेंज कर दे, उनका प्रखंड चेंज कर, जो प्रखंड शिक्षक होंगे उनका प्रखंड चेंज कर दे उस जिले के अंदर ही। ये भी हो सकता है कि उनका पंचायत चेंज कर दे, जिस पंचायत में वो है उस पंचायत के छोड़कर दूसरी पंचायत उनका कर दे। चुनाव को देखते सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी, और ऐसे आपके स्कूल तो खैर चेंज होना ही स्वाभाविक सी बात है, और आप अपने जिले में ही रहेंगे तो आपको वो स्कूल आपके पास अब नहीं रहेगा जिसमें आप वर्तमान में कार्य रहते हैं, तो ऐसे में स्कूल तो चेंज होगा, लेकिन आपका जो ट्रांसफर है उस जिले के अंदर ही प्रखंड से दूसरे प्रखंड में किया जा सकता है। इसके पीछे कई सारे कारण यहाँ पे साफ साफ है कि यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका ट्रांसफर होगा, और ऐसे में गवर्नमेंट डोंट वांट टू टेक रिस्क। आगे चुनाव है, रिस्क सरकार नहीं लेगी, बहुत बड़ा वोट बैंक शिक्षकों का होता है, उन्होंने अपने बैलेट पेपर से पहले भी अपना ताकत दिखाया है, और साथ साथ
समाज में बहुत बड़ा इनका असर होता है। ऐसे में सरकार इनको नाराज ना करते हुए इनको होम जिला ही देगी, लगभग लगभग सभी को चुनाव को देखते हुए ऐसा कर सकती है। मैं कंफर्म दावा नहीं ठोक रहा हूँ कि मैं ऐसा ही करेगी, लेकिन हाँ इस चीज को देखते हुए जो इनपुट सामने निकल के आ रही है कि चुनाव को देखते हुए सरकार लगभग सबको होम जिला इनकी एक नंबर जो आपका प्राथमिकता है नंबर वन प्रेफरेंस वो आपको देगी, क्योंकि आगे 2024 में लोकसभा है और 2025 विधानसभा है और विधानसभा पहले भी हो सकता है। इस बात का डर सरकार को भी है कि हमने कुछ उलट पुलट किया तो फिर हमको बहुत बड़ा नुकसान चुनाव में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे जो आपका ट्रांसफर है वो जिला के अंदर ही होगा, आपका प्रखंड पंचायत सब चेंज हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी रात उन शिक्षकों की लोगों जिनको मन में डर है कि हमारे मार्क्स थोड़े कम रह गए, हम जस्ट क्वालिफाई किए हैं, हमको मेरिट कम चॉइस पे अपना जिला नहीं मिलेगा, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको अपना जिला मिलेगा। और आप यकीन मानिए सरकार आपकी परेशानी को समझेगी, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम सबका मास लेवल ट्रांसफर कर देंगे इससे शिक्षा व्यवस्था भी थोड़ा बहुत मतलब कि कोलैप्स कर सकता है, इसलिए ऐसा सरकार नहीं करेगी। जहाँ तक इनपुट सामने आ रही है कि आपको नंबर एक प्रेफरेंस है उसी में आपका ट्रांसफर करेगी, ट्रांसफर तो आपको होगा लेकिन आपकी होम जिले में ट्रांसफर होगा जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। तो ऐसे में सरकार वोट आगे देखेगी, अपना आगे चुनाव जिसके देखते हुए आपका ट्रांसफर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही करेगी। और यही बात बहुत शिक्षक मैं देख रहा हूँ इनका जिन्होंने सक्षमता नहीं दिया है या फिर जिन्होंने ना क्वालिफाई नहीं हुआ वो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि दूसरी सक्षमता जस्ट आने वाली है इस रिजल्ट के बाद, आप उसकी तैयारी करें। और कहीं कहीं एक चीज़ आपने स्टैब्लिश यहाँ पे किया है इस एग्जाम को देखकर सक्षमता, जो इसको क्वालिफाई किया है जो अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं अपनी प्रतिष्ठा इमेज समाज में उन्हें स्थापित कर दी है। अब समाज में आपको जो पहले की कोई प्रतिष्ठा थी वो आपको वापस मिली है, पहले शिक्षक को कई तरीके संबोधित किया जाता था कि आप जो नियोजित से विशिष्ट में जा रहे हैं और जो एग्जाम आप क्वालिफाई कर रहे हैं इस हिसाब से आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लग गए हैं, और यकीन मानिए आपकी प्रतिष्ठा बीपीएससी की समतुल्य हो गई है और बल्कि उनसे ज़्यादा आपको इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगी। तो कहेंगे आपने बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हासिल किया है इस चीज़ के लिए, और मैं चाहूँगा कि जो भी सक्षमता टू के लिए भी तैयारी करना चाहेंगे मैं चाहता हूँ कि मैं उसके लिए आपको थोड़ी हेल्प करूँ जितना मुझसे हो पाएगा। तो जब भी सक्षमता बैच टू आएगा तो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा ताकि आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी हो सके जितना मुझे आता है, और आपको नेगेटिव नहीं होना है पॉजिटिव रहना है। अधिकतर शिक्षक को नंबर वन प्रेफरेंस अपना जिला मिलेगा, बस उनका प्रखंड चेंज हो सकता है या पंचायत उनका चेंज हो सकता है। अब देखने वाली बात यही सरकार इस पर क्या कुछ ऐलान चुनाव में करते, हालांकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो इसमें भी सरकार कुछ घोषणा नहीं करेगी, लेकिन वो आपको इस साल में बहुत कुछ कहेगी। ऐसे में आप साफ साफ देखिए कि आपको बहुत बड़ा राहत मिल सकता है, क्योंकि सरकार कोई रिस्क चुनाव को लेकर नहीं लेना चाहेगी। दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।